नमस्कार दोस्तों, जीवन में अगर आप अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ ध्यान दीजिए, जीवन में अगर कोई व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ सोच रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। याद रखें, लाइफ में कुछ भी सोचने से नहीं बल्कि करने से मिलता है। सोच विचार करने के साथ ही काम करना भी जरूरी है। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती है। सिंपल फंडा है, काम करें और सफलता पाएं। जब तक आप काम नहीं करेंगे, दुनिया में जीने के लिए इमोशनल होने की कोई जगह नहीं है। यदि आप इमोशनल होकर दुनिया के साथ में काम करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। आपको हमेशा बिजनेस का फंडा समझने के लिए, जिसको समझ में आ गया वो करोड़पति बन जाता है, और जिसको समझ में नहीं आया वो रोडपति बन जाता है। कैसे शुरू करें बिजनेस, काफी बार आपके दिमाग में आता है। सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, कुछ वीडियोस डाउनलोड भी करते होंगे आप, और कुछ वीडियोस आप दोस्तों को आगे भी भेजते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीजों को भी आप खूब काम में लेते हैं। काफी बार आप सोचते हैं कि बिजनेस करूं, मगर पूंजी नहीं है। पूंजी की व्यवस्था कैसे करें? बिजनेस में पूंजी जरूर चाहिए। बिना पूंजी के बिजनेस कहने को कोई कह सकता है? कुछ एक छोटे बिजनेस होते हैं जिनको शुरू करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिना पूंजी के कर सकते हो, मगर उनमें भी पूंजी चाहिए। चाहे एक मोबाइल ही चाहिए, वो भी 15,000 का चाहिए, और वो 15,000 रुपए भी हर आदमी की पॉकेट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के पास में इतनी गरीबी बैठी है कि उनके घर में 5,000 रुपए की व्यवस्था भी नहीं बैठ पाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग पूंजी के अभाव में बिजनेस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों में धैर्य नहीं होता है, पेशेंस जिसको बोलते हैं। उन्होंने आज कमाया और आज ही उनको पैसा चाहिए। यदि एक दिन में आपको पैसा चाहिए तो मजदूरी कीजिए, एक महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी कीजिए, और एक साल बाद में आपको पैसा चाहिए तो दोस्तों बिजनेस कीजिए। बिजनेस से अच्छा कोई पैसा कमाने वाला धंधा नहीं है। चाहे वो कितनी भी बड़ी नौकरी आप कीजिए, बिजनेस बिजनेस होता है और नौकरी नौकरी होता है। बस नौकरी में जोखिम लेने की क्षमता आप में नहीं हो तो भी आप नौकरी कर सकते हो, मगर बिजनेस में आपको जोखिम लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। नियमित नौकरी की तुलना में आपको ज्यादा जोखिम बिजनेस में लगानी लेनी होती है, और ज्यादा इनाम भी मिलने वाला होता है, ज्यादा मुनाफा मिलने वाला होता है। मगर साथ में बिजनेस में एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहां लॉस भी आ सकता है। वो सबसे बड़ी चुनौती जिसका सामना व्यापारियों को, बिजनेसमैन को करना पड़ता है, वो है एक टीम का गठन करना। दोस्तों, यदि आप बिजनेस में सफल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। टीम का लीडर बहुत सॉलिड होना चाहिए, काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, दिल और दिमाग से 24 घंटे वो केवल और केवल बिजनेस के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगा, मगर जब भी उसको फुर्सत मिलती है वो अपने बिजनेस के बारे में सोचने वाला होगा। वही बिजनेसमैन जीवन में सफल होता देखा गया है। और अपनी टीम का लीडर ऐसे आदमी को बनाइएगा जो केवल और केवल अपने टीम के निर्माण के बारे में सोचता रहे, टीम के गठन के बारे में सोचता रहे, टीम के अंदर सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया शानदार कैंडिडेट्स लाए। सुंदरता से मेरा मतलब तन की सुंदरता से नहीं है, मन की सुंदरता होनी चाहिए। तन की सुंदरता तो आज है, कल नहीं है। मैं भी बूढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, मगर मन की सुंदरता होनी चाहिए। जिसके मन में सुंदरता है वही बिजनेस की टीम आपको कमा करके देगी। दोस्तों, कस्टमर को कैसे मैनेज किया जाए, ये बिजनेस की दूसरी टिप है। आपके कस्टमर कहां से आएंगे, आपके कस्टमर्स की पोजीशन क्या है, उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहां तक वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, कितना कमा करके दे सकते हैं, एक कस्टमर कितने कस्टमर ला सकता है, ध्यान दीजिए एक एक शब्द को। कुछ एक कस्टमर ऐसे तो हैं जो खुद आपसे बहुत कम सामान खरीदेंगे, बहुत कम आपको कमा करके देंगे, मगर वो 10 कस्टमर साल में आपके लिए और भेजते हैं।
उन 10 कस्टमर में से कुछ 5 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हर साल आपको 20 कस्टमर और दे देते हैं। देखिए कितनी शानदार टीम जुड़ गई आपके कस्टमर्स की। कस्टमर्स को लाना एक कला है, वो कला हर व्यापारी को नहीं आती, और जिस व्यापारी को नहीं आता वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है दुकान में, आओ भाई साहब क्या लोगे। जिसको ये कला आ गई उसको ये कहने की जरूरत नहीं है क्या लोगे, वो कहेगा आइए भाई साहब, आइए आइए भाई साहब, वेलकम, स्वागत है आपका, काफी दिनों से आए, अब की बार कहाँ बिजी हो गए थे। वो इस तरह की बातें करता है, क्या ले हुए ये नहीं कहता है। दोस्तों अनूठा होना आपका दायित्व है, होता है। बिजनेस बना के बैठे हो आप, कमाने के लिए बैठे हो, यहां प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हो, आपको दुनिया से कुछ अलग दिखना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा आपको। आपके पास कुछ आइटम्स यूनिक होने चाहिए। जब तक आपके पास यूनिक आइटम्स नहीं होंगे, यूनिक चीजें नहीं होंगी, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। हर बिजनेसमैन के पास में कैश का फ्लो होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि जब भी आपके मर्जी में आए आपको ऐसा लगे कि आज तो ये सामान बहुत सस्ते में मिल रहा है अपने को, उस समय आप उस सामान को खरीद सको। आप 25% उसी समय कमा लोगे। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं कि जैसे कपड़े का बिजनेस है, कई लोग बिजनेस में सफल नहीं होते, वो अपनी भरी भराई दुकान बेचना चाहते हैं, ये दुकान में जितना सामान है उतना, और वो एक लोट में उठाना चाहते हैं। अब उस समय आपके पास में कैश फ्लो होगा तो आप रातों रात दुकान खरीद लेंगे, सारा सामान आपकी दुकान में आ जाएगा दूसरे ही दिन। मगर यदि कैश फ्लो आपके पास नहीं है तो ये संभव नहीं होगा। दोस्तों एक उद्यमी होने के लिए, एक बिजनेसमैन होने के लिए, एक सक्सेस बिजनेसमैन होने के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वास्तविकता को स्वीकारना है कि आपके विचार विफल हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, बिजनेस का जोरदार फंडा है ये, आपने जो सोचा है वो गलत हो सकता है, आपके आइडियाज गलत हो सकते हैं, आप फेल हो सकते हो, ये हमेशा जान करके चलिए। इसीलिए सभी स्थितियों में आशावादी होना जरूरी है, मगर आशावादी होने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा गलत काम नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। जहां रिस्क की आवश्यकता हो उतनी ही रिस्क लीजिए, जिस रिस्क को आप खे सकते हो, जिस खाई को आप पार कर सकते हो। खाई खोदी हुई है 10 फीट की और आपकी छलांग की लगाने की क्षमता है वो 6 फीट की है, निश्चित रूप से पता है गिरेंगे, 4 फीट आगे बहुत होता है। खाई 6 फीट की है, आपकी छलांग 5 फीट की है, कोशिश कीजिए पार हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ हेल्प ले लीजिए, इधर उधर चेक कर लीजिए और आप सक्सेस हो जाएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।